ईश्वर का विषय चल रहा है। किसी भी वस्तु को जब हम ठीक तरह जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष हो सकता है तो प्रत्यक्ष जानते हैं, अनुमान कर सकते हैं तो उससे जानते हैं, शब्द प्रमाण है या अन्य अनुभवियों का कथन है तो उससे जानते हैं, कुछ तर्क युक्ति से हम प्रयोग करते हैं। इन प्रमाणों से जिसको हम जानते हैं उसको भी थोड़ा मन में हमें बैठाना होता है, कुछ चिंतन मनन भी करना होता है, और जो हमने देखा सुना जाना अनुमान किया उसके ऊपर यदि विचार नहीं चल रहा है तो उससे संबंधित अधिक प्रश्न भी हमारे मन में नहीं आएंगे। पर हमने जैसा सुना पढ़ा देखा मान लिया, वो व्यक्ति जितना जाना है उसने वह वहीं तक रहता है, इतने में परिपूर्णता नहीं होती ज्ञान की किसी भी वस्तु के प्रति। अब किसी ने पानी को देखा, सामान्य रूप से पता है कि कैसा तरल होता है, क्या होता है, पीते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, क्या क्या काम है, एक सामान्य जान लिया, काम चल गया उसका। लेकिन यदि उसी पे व्यक्ति और सोचने लग जाता है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसमें है या नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है इसमें, क्या इससे ये भी चीज बन सकती है इत्यादि, तो उसी तरह से फिर प्रश्न उठाने लगता है, उसको प्रश्न उठेंगे, फिर वो खोजेगा पूछेगा और इस प्रक्रिया से उसका ज्ञान उससे संबंधित बढ़ता जाएगा। और जितना ज्ञान उस वस्तु के बारे में बढ़ता जाएगा उतना ही वो उसका उचित उपयोग करने लगेगा, उचित उपयोग कर सकता है, समझ बढ़ जाती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है, उसके उपयोग से हानि ना हो इस तरह से प्रयोग कर सकता है। और यदि ज्ञान में हमारी जितने जितने अंश में कमी रही जिसकी जैसे भी किसी भी वस्तु के विषय में, तो एक तो हमारे उससे संबंधित प्रयोग सीमित होंगे, जितना जानते हैं उतना ही उपयोग लेंगे, अधिक नहीं ले सकते, हानि भी उठा सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को जितना भी हम जान पाते हैं उसके साथ में उस विषय में मनन करना, उहापोह करना, तर्क युक्ति प्रश्न खड़े करना, ये आवश्यक होता है ज्ञान के विस्तार के लिए और वस्तु के ठीक ठीक उपयोग और अधिक उपयोग के लिए, हानि ना हो इसके लिए। तो ये बात हर वस्तु पे लागू होती है संसार की, जड़ वस्तु ही नहीं, चेतन जो हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उसमें भी एक तो हम किसी व्यक्ति के बारे में सामान्य जान लें और बस बाकी व्यवहार करने लगे, लेकिन इनके साथ में मैं क्या क्या व्यवहार कर सकता हूं, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उचित निर्णय वही अधिक कर सकता है जिसने उनके बारे में अधिक से अधिक जाना हो। जितना जानता जाएगा इस विषय में कैसा है, इस विषय में कैसा है, ये इस विषय में स्वभाव कैसा है इत्यादि इत्यादि, कि क्या योग्यता है, किस किस विषय की योग्यता है, क्या सामर्थ्य है इत्यादि, जो जितना जानेगा वो उतना उचित उपयोग कर सकेगा और रुकावट बाधा कम से कम आएगी। यही बात परमात्मा पे भी लागू होती है और न केवल इतनी, वहां और अधिक लागू होती है। कारण ये कि और चीजों का तो हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं काफी हद तक, अधिकांश वस्तुओं का, लेकिन परमात्मा का हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है, सीधे सीधे हमें पता नहीं लगता है। हम अन्य संकेतों से अनुमान करते हैं, सृष्टि रचना से, व्यवस्था से, शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अन्य प्रमाणों से जो जानी जाती हैं, उनके लिए तो मनन और भी अधिक आवश्यक होता है, अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है, विचार की आवश्यकता होती है, और चिंतन मनन एकाग्रता में अधिक अच्छा होता है। कुछ चीजों का चिंतन मनन चलते फिरते भी हम कर लेते हैं कुछ सीमा तक, लेकिन जहां कोई गंभीर चिंतन मनन में जाता है, वैज्ञानिक है और है,
समस्याओं का समाधान करना है, गहराई से सोचना है, तो एकाग्रता चाहिए वहां पर। और वो एकाग्रता तब बनती है जब अन्य विषयों से हट करके अपने को वो स्थिर कर लेते हैं, एकांत में ले लेते हैं, विषयों का आकर्षण नहीं होता है। वैज्ञानिक भी या अध्ययनकर्ता भी कोई खोज में लगा हुआ है, किसी वस्तु में लीन है, तो उसको दुनिया की और चीजें आकर्षित नहीं करती हैं, कम से कम उस समय में उसको स्मरण भी नहीं रहता है। वैज्ञानिक अपने भोजन का समय ही भूल जाते हैं। कितने वैज्ञानिकों के बारे में कहा जाता है, भोजन रख दिया गया, कह भी दिया गया हाँ मैं खाता हूं, शाम हो गई, दूसरा भोजन आ गया, बोले ये तो भोजन किया ही नहीं आपने, इतने तल्लीन हो जाते हैं। तब वो कुछ खोज पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भोजन समय पे नहीं करना चाहिए, वो तो करना चाहिए, ये बात बताने के लिए कि वो उसमें कितने एकाग्र हो जाते हैं, कितने खो जाते हैं। किसी भी विषय में ये लागू होगा, भौतिक जगत में भी होगा और परमात्मा पर ये और अधिक लागू होता है। ईश्वर के विषय में यदि हमें निश्चय करना है, निर्णय करना है और उसके प्रति हम गंभीर हैं, तो जितना भी हमने जहां से जो भी सुना है, पढ़ा है, अपना अनुमान किया है, कुछ तर्क वितर्क किए हैं, व्यवहार में जो हम करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, उसको एकांत में बैठ करके सोचना, विचार करना आवश्यक होता है। सूक्ष्मता से एक एक बिंदु को धीरे धीरे चीजें सुलझती हैं। शुरू में बहुत कुछ लगेगा, उलझा हुआ लगेगा, बहुत विचित्र विचित्र लगेगा, हर जगह ही उलझन लगेगी। किसी एक बिंदु को पकड़ लिया, उस पर विचार किया और उससे संबंधित जो प्रश्न उठते हैं उनको मन में रख लिया या लिख लिया, इसमें ये बात अभी समझ में नहीं है, यहां थोड़ी सी आशंका है, जितनी भी आशंका जो प्रश्न उठते हो वो उठाने चाहिए, आशंका करनी चाहिए, संशय रखने चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हम उसके प्रति कोई आक्षेप कर रहे हैं, उसका शुद्ध स्वरूप जानने के लिए ये आवश्यक है। पर जहां प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, नहीं दिए जाते, तो प्राय कह देते हैं भाई ईश्वर बुद्धि का या संशय का विषय नहीं है। अभी कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो तो नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर के विषय में तो कम से कम संशय नहीं उठाना है, वो नास्तिकता होगी, परमात्मा दंड देगा, ऐसे नहीं। प्रयोजन हमारा ठीक है, हम परमात्मा के खंडन के लिए, परमात्मा को हटाने के लिए, नास्तिकता के लिए थोड़ा प्रश्न खड़े कर रहे हैं, हम परमात्मा को जानने के लिए कर रहे हैं, ठीक ठीक जानने के लिए कर रहे हैं, उचित क्या स्वरूप है वो जानने के लिए प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उसमें गलती कहां है? ये तो प्रक्रिया है ही, ऐसे ही व्यक्ति सीखता है। यदि हम उस विषय को, ईश्वर के विषय को जैसा सुना पढ़ा है बस उठा के रख दिया और कोई उससे लेना देना नहीं, जीवन में कोई उसका संबंध नहीं, बस समझ लिया, मानना है, सुबह शाम कुछ कर लिया, कभी बातचीत चली तो बोल दिया, इसके आगे कोई प्रयोजन नहीं उसका, तो ईश्वर स्पष्ट नहीं होगा, ये उलझने रहेंगी सदा। ईश्वर का संबंध हमारी प्रत्येक क्रिया से है, ईश्वर का संबंध हमारे प्रत्येक जीवन के दिन से, क्षण से, व्यवहारों से, सबसे है, वस्तुओं के उपयोग से है, क्योंकि उसके, ईश्वर के स्वीकार करने पर जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है, उसने क्यों ये संसार दिया, हमें क्या करना चाहिए, वो सब निर्धारित होता है। तो परमात्मा के बारे में भी जो भी, जिसने जो भी सुना है पढ़ा है, उचित अनुचित जो भी हो, कोई बात नहीं है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, एकांत में बैठ के प्रभु का चिंतन, स्मरण, प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर विश्वास पूरा नहीं हो रहा है तो खोजना है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे अड़चन कहां पर है, मैं क्यों नहीं मान पा रहा हूं, मैं सर्वव्यापक नहीं मान पा रहा हूं, मैं उसको नित्य नहीं मान पा रहा हूं, उसके अस्तित्व पे ही मेरे को प्रश्न है कि वो है भी या नहीं, हो तो अनुभव तो होना चाहिए, इत्यादि विषयों तरह के, पचासों तरह के प्रश्न उठते रहते उठते रहते। तो यदि इच्छा हो ईश्वर को ठीक समझने की, तो जो भी पढ़ा सुना है उसको बैठ करके विचार मनन करना आवश्यक है, और जहां जहां समस्या आती है उनमें परस्पर विरोध होता है, वो प्रश्न अवश्य आएंगे, मनन करेंगे तो प्रश्न अवश्य आएंगे, और जैसे जैसे उन प्रश्नों का समाधान होता जाएगा हमारा ईश्वर के प्रति निश्चयात्मक ज्ञान बढ़ता जाएगा, स्पष्टता बढ़ती जाएगी, पूरी तरह दृढ़ हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया तो आवश्यक है, इसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है,
श्रवण माने सुनना जानना, फिर मनन करते हैं, फिर और निदिध्यासन करते हैं, निश्चय कर लेते हैं अच्छा ये है, हो ही जाता है निश्चय, और साक्षात्कार तो उसके बाद में होता है, फिर हम लगते हैं पूरी तरह से। अब ईश्वर का अस्तित्व के बारे में ही संशय है तो क्या उसके लिए साधना कितनी करेंगे हम, कैसा हमारा जोर होगा, यही नहीं पता है कि ये वाहन वहां जाता है या कोई इस नाम का शहर भी है तो हम क्या जाएंगे वहां से, करेंगे भी तो थोड़ा बहुत चल के छोड़ देंगे। तो साधना पथ पे चलने के लिए जो हमारे में शिथिलताएं देखी जाती है उसमें एक मुख्य कारण ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का न होना है। कहते को हम कहते रहते हैं ईश्वर आस्तिक है, मैं आस्तिक हूं, ईश्वर है, ये सब है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं हो पाता है, वो दृढ़ता ही नहीं रहती। हम अपने अंतर्मन को देखें, हम परमात्मा के प्रति कितने विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, हमारे मन में कितना दृढ़ विश्वास है। जिसका जितना होता जाएगा उसको इस मार्ग में उतनी ही सरलता होती जाएगी, दृढ़ता से वो चलता चला जाएगा, उसको दुनिया की सोचेगा ही नहीं, हो जाएगा विचलित ही नहीं होगा, कम से कम विचलित होता जाएगा जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो उस प्रक्रिया में जिनको जितना समय मिलता है और जो इसी मार्ग पे आए उनके लिए तो इसी के लिए ही समय है, और चीजें भी इसी के लिए ही तो है। जीवन का लक्ष्य ईश्वर निर्धारित हो जाए, मुक्ति निर्धारित हो जाए, ईश्वर का पूरा निश्चय हमारे को हो जाए, बहुत बड़ी बात है, जीवन की धारा ही बदल जाएगी। तो इसके लिए भी ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो विचार का है। आप ध्यान के समय चिंतन मनन कर सकते हैं, एकांत में कभी भी बैठ करके जिसके पास जितना समय हो जितना इस विषय में लगा सके उतना है, कुछ जल्दी कर लेते हैं कुछ देर से करते हैं, जैसे जो अधिक समय लगाएगा तो जल्दी कर सकता है, किसी की बौद्धिक क्षमता अच्छी है वो शीघ्र कर लेगा, दोनों ही काल और क्षमता के आधार पर इसका निश्चय हो सकता है, हम सब कर सकते हैं। तो आपके जो इनसे संबंधित प्रश्न हैं उनको मैं ले रहा हूं। अंकुर दत्त जी का प्रश्न है, क्या जब अवतारवाद की प्रबल अवधारणा मन में घर कर जाती है तो हम कर्तव्य विमुखता की ओर जाने लगते हैं? ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग यह कहकर समस्याओं से पल्ला झाड़ लेते हैं कि अब तो जब भगवान ही अवतार लेंगे यह काम तो तभी होगा, और स्वयं कुड़ते रहते हैं। ऐसा होता है, सब में हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन जब ये मान ही लिया किसी ने कि जब जब अधर्म की हानि होगी और परमात्मा आएंगे अवतार लेंगे और नाश करेंगे, होते ही हैं, और विश्वास है पूरा कि परमात्मा के नियम तो अटल है, वो आएंगे, जैसे पहले किया था, पहले उद्धार किया था, इसका किया था, इसका किया था, अब भी करेंगे, ये भी मान्यता मान लो दृढ़ मूल हो चुकी है किसी के, स्वाभाविक है उसके मन में यही आशा रहेगी, जितना प्रयत्न करते हैं उतना तो किया थोड़ा सा, बाकी तो भाई हमारे तो बस का नहीं, वो ही करेगा, वो ही आके करेगा। तो पुरुषार्थ तो हमें करना ही होता है, और ये समस्या केवल उन्हीं में ही नहीं होती है जो अवतार को मानते हैं, जो अवतार को नहीं मानते हैं वो भी इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं, जो ईश्वर को ऐसे मानते हैं, अवतार नहीं मानता है कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को सर्वव्यापक निराकार मानते हुए भी, ऐसे इस रूप में मानते हुए भी व्यक्ति इस भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि बस अब तो भगवान ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और पुरुषार्थ की न्यूनता हो जाती है, क्योंकि जो अवतार भी नहीं मानते वो भी तो परमात्मा को इस रूप में शक्तिशाली मानने लगते हैं कि परमात्मा जो चाहेगा वो कर देगा, जब चाहेगा वो कर देगा, जो होगा वो परमात्मा की इच्छा से ही होगा, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो वो होगा ही नहीं, परमात्मा की शक्ति मत्ता को, सर्वशक्ति मत्ता को इस रूप में देखने लगते हैं, जिसकी अंतिम परिणति वो है जो वचन कई बार आपके सामने रखा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसको बढ़ाते बढ़ाते वो यहां तक आ जाते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता परमात्मा की इच्छा के बिना, तो पुरुषार्थ फिर शून्य था। जब परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता तो ठीक है, मेरा प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है, जब परमात्मा की इच्छा होगी तब फल मिलेगा, हम करते रहो तो कुछ मतलब नहीं है उसका, वो फलों के साथ में अपने कर्म का संबंध तोड़ने लग जाता है, जोड़ नहीं पाता है, जबकि ऐसा है नहीं, परमात्मा की व्यवस्था से तो कर्म के अनुसार ही होता है और कर्म हमें ही करना है। ये ठीक है कि कर्मों का फल परमात्मा देता है, जो उचित फल है वो देता है, किंतु इससे हमारा कर्तृत्व समाप्त नहीं हो जाता, पुरुषार्थ समाप्त नहीं हो जाता, हम उस पर नहीं छोड़ सकते सारा, परमात्मा पे जो छोड़ा जाता है, परमात्मा जितना करता है उतना ही तो छोड़ेंगे, ये भी तो एक ठीक तरह से समझने की बात है। तो जो निराकार परमात्मा को मानते हैं, अवतार नहीं मानते, वो भी ऐसे छोड़ देते हैं,
अपने पुरुषार्थ की न्यूनता कर देते हैं, जबकि वेद मंत्र, वेद का उपदेश, ईश्वर का उपदेश हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता है, पुरुषार्थ के लिए ही कहता है। कुर्वन्ने वेह कर्माणी जिजी विशेष शतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जियो, एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति, और कोई मार्ग ही नहीं है, कर्म तो करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है। उद्यानम थे पुरुषम नावयानम, उनको ऊपर ही ऊपर उठना है, प्रगति करनी है। कितने पुरुषार्थ की बातें लिखी हुई है, कहीं भी कर्म त्याग के लिए नहीं लिखा है वेद में, उपदेश नहीं है ये। जहां है वहां के अनुरूप, जिस आश्रम में है, जिस अवस्था में है, जो कर्म उचित है वहां के अनुरूप अलग अलग विधान है, वो हमारे को करने ही होते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, दोनों करने होते हैं। तो अपना पुरुषार्थ करते हुए ही ये सारा का सारा करना चाहिए। ये बहुत से लोग को न मानने के पीछे एक कारण ये भी बताते ही है, जो नास्तिक है वो कहते हैं देखो आस्तिकों की क्या हालत है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं, सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है, ये सब कर लेते हैं। ये तो बहुतों में व्यापक है, इसलिए अवतार हो या अवतार ना हो, दोनों में ये बातें दोष घटते हैं। वो वास्तव में ईश्वर को गलत मानने के कारण से ऐसा है। ईश्वर को सच्चा मानता है, ठीक रूप में जानता है, वो कभी भी पुरुषार्थ से हीन नहीं होगा, बल्कि वो अधिक पुरुषार्थ करेगा, बल्कि वो पुरुषार्थ करते समय डरेगा नहीं, बल्कि वो पुरुषार्थ करते समय धर्म के अनुरूप ही करेगा, अधर्म का सहारा नहीं लेगा, अन्याय अत्याचार का नहीं लेगा, गलत साधनों का उपयोग नहीं करेगा, उचित ही करेगा। उसका कर्म और अधिक शुद्ध शुद्ध होता जाता है, जो जितना ईश्वर को मानता है। कर्म छोड़ने की तो बात ही नहीं है, और परमात्मा को शतक्रतो कहा गया है, उसके असंख्य कर्म है, लगातार कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, तो जीव भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है, उसी तरह उसका जीवन बनता चला जाता है। अंकुर दत्त जी का ही अगला प्रश्न है, धर्मांतरण करते हुए एक मौलवी ने एक मूर्ति पूजक को कहा, ये पीस टीवी नाम का कोई टीवी है, उस पर इन्होंने देखा, मैं तो नहीं जानता, तो उसमें उन्होंने देखा कि देखो, मौलवी साहब बोल रहे थे, देखो तुम्हारे वेदों में कहीं से कहीं तक मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है, और यह कहकर उसने बहुत सारी वेद ऋचाएं सुनाई, सब मूर्ति पूजक उसके ज्ञान पर मंत्र मुग्ध हो गए और झट से इस्लाम कबूल कर लिया और हजारों की संख्या में कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि उन मूर्ति पूजकों को तो वेदों का प्रमाण दिया गया था, तो उनको वेदों की ओर लौटना चाहिए था, न कि इस्लाम की ओर, तो क्या इनका मानसिक स्तर इतना निम्न होता है कि वे छोटी सी बात भी नहीं सोच पाते, कि क्या ये ऐसी चीज है कि जो ज्ञान के स्तर को निम्नतर कर देती है। देखिए, सब व्यक्तियों का ज्ञान का स्तर, बुद्धि का स्तर समान नहीं होता है, अलग अलग है। जिनकी कुछ जैसी परिस्थिति रही, कुछ पढ़ने को नहीं मिला, वातावरण ऐसा था, परिस्थितियां ऐसी थी, नहीं पढ़ पाए, बौद्धिक क्षमता या तो कम रही, बहुत सारे कारण है समाज में, वो हमें न्याय अन्याय पूर्वक दोनों तरह के मिलते हैं। दूसरी बात, जब भावनाओं को उठा दिया जाता है, किसी बात को लेकर के भावनाओं को उभार दिया जाता है उचित या अनुचित तरीके से, और जब व्यक्ति के दिमाग में वो काम करने लगती है, वो हावी हो जाती है, उसको उभार दिया जाता है, सम्मोहित कर दिया जाता है भावनाओं को उभार करके, तो विवेक ज्ञान कम हो जाता है, वो सोच नहीं पाता है। जैसे कि समाज में भीड़ का न्याय चलता ही है, चीजें भड़का दी गई, बोल दी गई, कैसे भी, यही नहीं, ऐसी कैसी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग वर्गों में कोई बात फैला दी और इस तरह से फैला दी, भावनाओं को उभार दिया किसी की, बड़े योजनाबद्ध ढंग से भी हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कुटिल मार्ग पे चला जाए तो वो भावनाओं को उभारने में बहुत कुशल हो जाता है, भावनाओं को उभार देता है। अब जब किसी की भावना उभर गई, कोई विशेष स्थिति बन गई, अब उसका विवेक काम नहीं करेगा उतना, वो भावनाओं के आधार पर ही चलता है, सोचना बंद कर देता है, बुद्धि काम नहीं करती है। ये अच्छे अर्थों में भी ले देख सकते हैं और बुरे अर्थों में भी आप देख सकते हैं। बहुत से जो हमारे राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं, वहां भी भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, वहां वो उनको परिवार नहीं दिखाई देगा, उनको अपना शरीर दिखाई नहीं देगा, वो भावनाएं इतनी होती हैं, इतने नारे लगते हैं, इतनी बातें बताई जाती हैं, ये सब सेना का आवश्यक अंग है, ये कोई हर व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकता, भाग जाएगा वो,
कोई कोई जा सकता है विवेक पूर्वक, बाकी तो भावनाओं से चलाया जाता है, भावनाओं से चलते हैं, बड़े बड़े आंदोलन भावनाओं से चलते हैं, राष्ट्र भावनाओं से चलते हैं, ये जो सब बहुत सारी चीजें समाज में उभारी जाती हैं, तो वहां व्यक्ति सोचने को थोड़ा अलग रखता है और भावनाओं के आधार पर काम करने लग जाता है। ये जो कुछ स्थितियां आप बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो समाज से वैसे भी परेशान हैं, स्थितियां ऐसी बनती हैं और उनको भावनाएं उभार दी गई उनकी, तो विवेक कम हो जाता है, किसी का भी हो सकता है। तो भावना अपनी जगह पे है लेकिन विवेक भी अपनी जगह पे होना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों का संतुलन बना लेगा वो इधर उधर नहीं भटक सकता। लेकिन हमारे यहां बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां हम बुद्धि को एक तरफ हटवा देते हैं, नहीं यहां तो केवल भावना चलेगी, भक्ति चलेगी, बुद्धि को छोड़ दिया, बुद्धि का क्षेत्र ही है और ये भावना का क्षेत्र, जबकि हर स्थान पर दोनों आवश्यक हैं। वैज्ञानिक भी और उद्योगपति भी और वस्तुएं बनाने वाले भी, उपभोक्ता चीजें बनाने वाले भी भावनाओं को छोड़ के केवल बुद्धि से काम करेंगे, इससे ये होगा तो हानियां होती हैं। और धर्म आदि श्रद्धा के क्षेत्र में भी भावना के आधार पर ही चल रहे हैं और विवेक छोड़ दिया तो वहां भी बुरा हाल होता ही है, दोनों जगह हानि होगी। हाँ, कहीं भावना अधिक होती है, कहीं विवेक अधिक होता है, किसका कब हमारे को उपयोग करना है, भावना का उपयोग भी विवेक पूर्वक जब होता है, ये संतुलित जीवन रहता है, वहां फिर ये समस्याएं नहीं आती। दूसरा, ये जो स्थिति बताई इन्होंने कि उनको बताया कि भाई वेदों में तो मूर्ति पूजा का है ही नहीं, वो वेद मंत्र बोल रहे हैं, तैयारी करते हैं ये लोग सब, देखो वेद मूर्ति पूजा के विपरीत लिखा हुआ है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजक नहीं है, कोई चित्र नहीं मिलेगा भगवान का, अल्लाह का कोई चित्र नहीं मिलेगा, इस विषय में वो बिल्कुल वेदानुकूल है और बहुत सख्ती से है इसके अंदर, वो ईश्वर की कोई प्रतिमा चित्र मूर्ति बिल्कुल नहीं है। अब ये अलग बात है कि उनमें भी कब्र की पूजा और पत्थर की पूजा वो चल गई है, लेकिन उनके जो मूल हैं वो नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक नहीं मानते हैं, इसको गलत मानते हैं, दोष मानते हैं, उस दृष्टि से वो परमात्मा को निराकार मानना ये उचित है बिल्कुल, तो वो तो अपने इस बात को पक्ष रखेंगे ही। अब जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इनको सुना, अब वो तो हर जगह यही देखते हैं कि सभी तो मूर्ति पूजा करते हैं, एक सामान्यतया गांव में या कहीं भी आप देखेंगे सभी करते हैं, अपवाद शायद ही कोई मिले तो मिले, नहीं तो पता भी नहीं लगता, सभी उसी तरह यही प्रतीत होता है हमें। और जो मूर्ति पूजा नहीं करता उनके लिए नास्तिक कह करके व्यवस्था की भी है, ये नास्तिक है, तो कोई व्यक्ति जो मूर्ति पूजा नहीं करता उसको तो निंदित रूप में देख रहा है, ये तो नास्तिक है और नास्तिक बनना नहीं चाहेगा, तो जब वेद के अंदर लिखा है वो जाए तो कहां जाए, तो उसे लगता है कि यहां तो मैं बिना मूर्ति पूजा के रह नहीं सकता, सारा गांव लोग सब 10 प्रश्न खड़े कर देंगे, और दूसरा कुछ वो ऐसी भावनाएं कर देते हैं। तो ये जानते हुए भी ये वेद के प्रमाण दे रहे हैं जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं, इसके लिए तो जागरूकता ही कारण है और कुछ नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है ये। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी परमवीर जी का है, यदि कोई ईश्वर को नहीं मानता और ईश्वर को मानने वालों का पूरा सम्मान करता है और न ही दूसरों से ऐसी अपेक्षा रखता है कि दूसरे ईश्वर को न माने, ये उस प्रसंग में है कि मैंने एक चर्चा हुई थी कि जो ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर को मानने वाले का अपमान करे तो उनको दंड होता है नहीं होता है, होता है, वो उस प्रसंग में इनका प्रश्न है कि कोई ईश्वर को स्वयं तो नहीं मानता लेकिन मानने वालों का, ईश्वर को जो मानते हैं उनके साथ अपमान भी नहीं करता, उनका व्यवहार ठीक रहता है, सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, और न दूसरों से ये अपेक्षा रखता है, उनको ये भी नहीं प्रेरित करता कि आप भी ईश्वर को मत मानो, ठीक है आप वो मानते हैं, वो खुद नहीं मानता है, और ईश्वर नहीं है इसका प्रचार भी नहीं करता है, वो लोगों में इस तरह से फैलाता भी नहीं है, इसका प्रचार भी नहीं करता, अर्थात असत्य को प्रचारित नहीं करता। अब प्रश्न इनका इस पर यह है, क्या ईश्वर उसे केवल इसके लिए भी दंड देगा कि मैं मुझे नहीं मानता इसलिए मैं उसे दंड दूंगा? तो इसमें दो भिन्न भिन्न दृष्टियां हो सकती हैं। मेरे को जो समझ में आया हुआ है वो ये कि ईश्वर उसको दंड नहीं देता है, अपने आप में इसमें कोई दंड नहीं देगा, ये कोई अपराध उस तरह से नहीं है, गलत है उससे हानियां होंगी, लेकिन केवल इसलिए कि वो ईश्वर को नहीं मानता है, दूसरों से व्यवहार सारे ठीक है, वो ईश्वर को नहीं मानता है, इतने मात्र से नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर की एक विशेषता क्या है,
ईश्वर जो हमें दंड देता है वो तब देता है जब हम अन्यों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उसके संतानों के साथ यानी अन्य आत्माओं के साथ। परमात्मा के प्रति हम कुछ भी व्यवहार करते हैं वो परमात्मा तो सहनशील है, वो उसके लिए दंड नहीं देता है। इसके लिए एक पंक्ति हमारे यहां जो चलती है, सहो असी सहो मई धेई, हम परमात्मा को कहते हैं हे परमात्मा आप सहो असी सहनशील हो, मन्यु रसी मन्यु मई देही सहो सी सहो मई दे, हम बोलते हैं मंत्र। उसके अर्थ में महर्षि दयानंद ने लिखा है एक महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा सहनशील है और हमारे को भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि परमात्मा मेरे को भी सहनशील बनाओ, मेरे में भी सहनशीलता डालो। तो परमात्मा कैसे सहन करता है? तो सामान्यतः ये लोग सोचने लगते हैं कि भी कोई कुछ भी करे उसको दंड नहीं देता है, तो किसी के भी प्रति कोई कुछ करे तो दंड नहीं दे, ऐसा नहीं। तो महर्षि दयानंद वहां अर्थ लिखते हुए लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला है, अपराधियों को, स्व अपराधियों को। स्व अपराधी का मतलब है ईश्वर के प्रति जो अपराध करता है, ईश्वर को गाली देता है, ईश्वर को नहीं मानता, यह भी एक तरह का ईश्वर के प्रति तिरस्कार ही है। और कुछ तो सीधे गालियां ही देते हैं ईश्वर को, कैसा ईश्वर है, मेरे को ये कर दिया, मेरे लिए ये कर दिया। सबसे ज्यादा गालियां ईश्वर को मिलती हैं, पूजा भी वो सबसे अधिक जाता है और गालियां भी बहुत देते हैं मन में ईश्वर को, खूब कोसते हैं ईश्वर को भी। तो परमात्मा स्व अपराधियों को क्षमा करने वाला है। परमात्मा के प्रति हम जो भी कुछ बोलें, गाली दें, कुछ भी करें या ना मानना, जो इन्होंने प्रश्न किया है, उतने मात्र से ईश्वर दंड नहीं देता, वो अपने उसको सहन करता है। ये उस रूप में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम दूसरे को कुछ हानि करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, तो फिर ईश्वर छोड़ता भी नहीं है बिल्कुल, वहां अवश्य दंड देता है। क्योंकि हमारा ईश्वर के प्रति जो भी व्यवहार होता है उससे परमात्मा को कोई अंतर नहीं आता है, उसकी कोई हानि नहीं होती है, उसको कोई उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती और वो सहन करता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि अज्ञानी है, अभी अज्ञान अवस्था में कोई भी बोल सकता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, अज्ञानी हो, या कोई पागल व्यक्ति हो, या कोई नशे में धुत व्यक्ति हो, ऐसे में कभी हमारे को वो बोल देता है तो हम भी नहीं सहन कर लेते। उनको पता है कि होश में ही नहीं है, तो बीमार है, बड़बड़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं किसको क्या बोल रहा हूं, बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, गाली भी दे देता है, और जब वो ठीक हो जाता है तभी तो हम ऐसों को तो ये तो क्षमा हम ही कर देते हैं। सामान्यतः जीवन में हम भी ऐसा नहीं करते, वो परमात्मा को पता है ये अज्ञान से ग्रस्त है, तो अपने प्रति अपराध को वो क्षमा रखता है। तो यदि कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है तो इतने मात्र से तो उसको दंड तो नहीं देगा, लेकिन ईश्वर को न मानने के कारण से उसमें बहुत सारा अंतर आएगा, उसके जीवन का लक्ष्य, शैली, प्रक्रिया, उसका सोच, वो सब एकदम अलग रहेगा और वो उसकी उन्नति में बाधक बनेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति यदि मानवता के हिसाब से सब नियमों का पालन कर रहा है तो परोक्ष रूप से वो ईश्वर को मान रहा है, ईश्वर को सीधे नहीं मान रहा, तो भी उसमें जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए न्यूनता रहती है वो तो उसमें फिर भी रहेगी। तो आज इतना ही रखते हैं, प्रणव। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।